ठीक है चलो। तो क्या चल रहा था, ये ऐसा आइस के ऊपर रखा है मैंने नेल, इसके प्रेशर के वजह से यहाँ पे मेल्टिंग होता है जल्दी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इधर इधर ही कम होता है, बाकी जगह पे मेल्टिंग पॉइंट उतना ही रहता है, जिधर ये रखा है मैंने उधर ही मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो वहां पे लिक्विड होता है, तो लिक्विड के अंदर ये घुस जाता है, नीचे जाता है, जैसे ये नीचे जाता है ऊपर वाटर रहता है ना, तो वो वाटर वापस से आइस बनता है, वाटर वापस से आइस बनता है, रिफ्रीज होता है वाटर में, यहाँ पे जो आइस था मेल्ट हो गया बिकॉज ऑफ नेल, के अंदर घुसने के बाद वापस वो वाटर रिफ्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं रिजलेशन। उसको क्या बोलते हैं? रिजलेशन। देन बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है देखो, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद प्रेशर, मतलब प्रेशर अगर बढ़ाया, गैस है यहाँ पे या फिर लिक्विड है, उसके ऊपर का प्रेशर बढ़ाया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? प्रेशर मोर। कुकर के अंदर क्या होता है? प्रेशर मोर। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? मोर। बॉइलिंग पॉइंट मोर मतलब कब बॉइल होता है? बॉइलिंग पॉइंट अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मतलब वाटर कब बॉइल होना चालू होता है? 109 डिग्री पे बॉइल होता है, 120 पे होता है या फिर 130 पे होता है, उसके वो कुकर के हिसाब से रहेगा, वो उसका ऊपर का जो विसल रहता है ना, शिफ्टी रहता है उसका ऊपर, उसके वेट के ऊपर रहेगा अंदर कितना प्रेशर रहता है। तो जितना उस विसल का वेट ज्यादा उतना अंदर कुकर के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा। कुकर का डिजाइन क्यों किया? ऐसा एक हिल है, हिल स्टेशन है, तो हिल स्टेशन पे प्रेशर क्या है? लेस। यहाँ पे प्रेशर क्या है? नॉर्मल है। अपना जो घर है इधर है, लेकिन हम लोग कुछ दिन के लिए हिल स्टेशन पे गए तो वहां पे प्रेशर कम है, तो यहाँ पे वाटर कितने पे बॉइल होता है? 100 डिग्री से। तो यहाँ पे सब्जी 100 डिग्री पे अच्छे से पकता है, लेकिन हम लोग अभी हिल स्टेशन पे गए तो प्रेशर कम है वहां पे। प्रेशर क्यों कम रहता है? यहाँ तक एटमोस्फियर है, तो यहाँ एटमोस्फियर का हाइट है, इतना एटमोस्फियर नहीं प्रेशर लगा है, जबकि यहाँ पे पूरे इधर से इधर तक यहाँ तक एटमोस्फियर है, तो इधर का पूरा एटमोस्फेरिक कॉलम में इधर प्रेशर लगा है, यहाँ पे प्रेशर हिल स्टेशन पे प्रेशर कम रहता है। तो यहाँ पे लिक्विड बॉयल होता है 94 डिग्री पे ही बॉयल होता है। तो यहाँ पे मैंने नीचे से गैस लगाया, सब्जी डाली, पानी पानी में सब्जी डाला मैंने और नीचे से गैस लगाया, तो 94 पे ही बॉयल होता है। तो 94 के आगे टेम्परेचर जाएगा ही नहीं ना, 94 के आगे टेम्परेचर जाएगा नहीं, 94 के आगे क्या होता है? अगर बॉइलिंग हो रहा है, सब्जी अंदर डाला और बॉइलिंग हो रहा है, तो 94 तक टेम्परेचर है, उसके बाद वाला जो हीट जाएगा वो क्या करेगा? उस वाटर को इवेपोरेट करेगा, टेम्परेचर थोड़ी ना बढ़ेगा। तो टेम्परेचर मैक्सिमम कितना रहेगा? अगर सब्जी बॉइल कर रहा हूं तो मैक्सिमम टेम्परेचर 94 रहेगा, और 94 पे अगर सब्जी पकता नहीं तो बहुत टाइम लगेगा और गैस वेस्ट होगा यहाँ पे। लेकिन टेम्परेचर कितना जाता है? 100 जाता है, यहाँ पे 100 पे बॉइल होता है, जो अपना ये इधर जो एटमोस्फेयर है, 1 atmospheric प्रेशर है, नहीं हम लोग नीचे, तो 100 पे बॉइल होता है, तो 100 पे 100 के आगे नहीं जाता, लेकिन टेम्परेचर 100 के आगे नहीं जाता। अगर हीट ज्यादा दिए तो 100 के आगे नहीं जाता टेम्परेचर, क्या होता है? वाटर वेपराइज होकर उड़ जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना पॉसिबल है वाटर का? 100। तो 100 पे सब्जी अच्छे से पकता है। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है? यहाँ पे अगर प्रेशर कुकर यूज किया तो 94 पे नहीं बॉइल होता। कब बॉइल होता है? प्रेशर कुकर के अंदर का एटमोस्फेयर कंट्रोल नहीं, किसके ऊपर है वो? विसल के ऊपर, विसल के वेट के ऊपर। तो विसल के वजह से अंदर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर ज्यादा है इसलिए इतने पे बॉइलिंग होता है। तो इतने पे अगर वाटर बॉइल हो रहा है तो सब्जी क्या होता है? जल्दी पकता है, तो इसलिए एनर्जी कम लगता है। तो कुकर के वजह से क्या होता है? एनर्जी कम लगता है, ठीक है। चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट मारो। सब्लिमेशन मतलब सिंपल है, पता होगा तुमको, डायरेक्ट सॉलिड से वेपराइजेशन होना, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। कैम्फर का होता है, कापूर का होता है, ठीक है। देखो एक ग्राफ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद लेक्चर ऑफ करेंगे और कल 4 से 5 o'clock वापस क्या देखेंगे?
कैलोरी मीटर के एग्जांपल्स देखेंगे, एक दो एग्जांपल्स देखेंगे, पूरा घंटा लगेगा, दो तीन एग्जांपल्स करने को ही पूरा घंटा लगेगा, ठीक है। चलो उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, वेव्स, वेव्स एंड साउंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके बाद, ठीक है। चलो तो ये अभी देखते ग्राफ क्या है, देखो ये यहाँ पे है टाइम एक्सिस है और इधर है टेम्परेचर एक्सिस। तो अब मेरे पास है आइस, अब क्या है मेरे पास आइस है और आइस का टेम्परेचर क्या है, आइस का टेम्परेचर है -20 डिग्री पे। आइस का मेरे पास एक ब्लॉक है, ऐसा आइस का एक ब्लॉक है मेरे पास, मैंने उसको पॉट में ऐसा पुट किया और इसको हीट करना भी चालू किया। अब उसका टेम्परेचर कितना है -20, तो ये -20 डिग्री है यहाँ। जैसे जैसे मैं इसको हीट करता हूं इसका टेम्परेचर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, कहां तक टेम्परेचर बढ़ गया उसका 0 डिग्री पे। इसको मैंने जैसे जैसे हीट करता हूं वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, कहां तक टेम्परेचर है 0 पे। अब इसका टेम्परेचर 0 पे आने के बाद टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं, इसका टेम्परेचर 0 पे आने के बाद टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं। अब क्या होता है, कन्वर्जन स्टार्ट होता है, अब होता है आइस वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो अब क्या होता है, जितना भी एनर्जी पहले दिया, उतना भी एनर्जी 0 डिग्री के पहले दिया, उसका यूज क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो -20 का इधर तक 0 डिग्री तक आके बैठा है, एनर्जी का यूज क्या हुआ, टू इंक्रीज टेम्परेचर। अब क्या होता है, ओम प्रकाश मैं बोलता हूँ तेरे साथ बाद में, जो तेरा डाउट है मैं बाद में बोलता हूँ। चलो टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, ये हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ता है बढ़ता है, अब टेम्परेचर कितना हो गया उसका 0 हो गया। अब 0 पे ये आईसी है, अब ये क्या है 0 पे आईसी है, आइस -20 पर भी आईसी था, 0 पे आने के बाद भी अभी भी ये आईसी है। अब हीट जो दिया है उसका यूज क्या होता है, कन्वर्जन होता है, अब आइस वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो उसके लिए जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, उसके लिए जो एनर्जी लगता है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो अब क्या होता है, जो भी हीट दे रहे हैं उसका यूज करके आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, लेकिन टेम्परेचर उतना ही रहता है, बहुत टाइम तक टेम्परेचर उतना ही रहता है, 0 का टेम्परेचर 0 ही, लेकिन 0 पे आइस था यहाँ पे, यहाँ पे 0 पे क्या होगा, टोटल वाटर में थोड़ा आइस वाटर में वाटर में वाटर में कन्वर्ट होते गया, अब यहाँ पे पूरा का पूरा 0 डिग्री पे वाटर हो गया। हीट तो देना अपना चालू ही है, हीट देना तो अपना चालू ही है। तो अब क्या होता है, इसके बाद वाटर का टेम्परेचर बढ़ना बढ़ना चालू होता है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है, ये कब तक होता है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है ये होता है 100 डिग्री तक, ये होता है 100 डिग्री तक। यहाँ पे पूरा आइस था, यहाँ पे पूरा वाटर बन गया, वाटर मतलब लिक्विड है। फिर 0 से यहां तक टेम्परेचर बढ़ते गया 100 तक। अब उसके बाद जो जो हीट देंगे हम लोग, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो भी हीट देंगे उसका यूज क्या होगा, कन्वर्जन में, वाटर किस में कन्वर्ट होना चालू होगा, अभी वेपर्स में। अब टेम्परेचर नहीं बढ़ता, इसलिए अगर मैंने वाटर लिया एक पॉट में, इसमें सब्जी डाला और बॉइलिंग चालू किया, अभी बोला था ना वाटर लिया सब्जी डाला और बॉइलिंग करना चालू किया, तो इस सब्जी का टेम्परेचर 100 के ऊपर जाता ही नहीं, इस सब्जी का टेम्परेचर 100 के ऊपर जाता ही नहीं, जितना भी हीट दे रहे उतना हीट क्या लेता है, वाटर लेता है, वेपर बन के उड़ जाए, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना लेता है, 100 ही लेता है। तो अगर घर पे यहाँ पर मैं सब्जी अगर पका रहा हूँ तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना दे सकता हूँ इसको, मैं 100 ही दे सकता हूँ, ठीक है। टेम्परेचर अगर सब्जी का मुझे 100 से ज्यादा देना है उसको टेम्परेचर, तो मुझे इसको पैक करके कुकर में बंद करना पड़ेगा, तब प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 100 पे क्या होता है, 100 पे जितना अभी मैं एनर्जी दे रहा हूँ उसका यूज करके वो क्या होता है, लिक्विड का भी वेपर 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 होता है, टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं। देखिए 100 लिक्विड 100 पे अभी सब्जी बॉईल हो रही है, हीट दिया तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, वाटर वेपर में बनता है वो उड़ जाता है, वाटर वेपर में बनता है उड़ जाता है, ठीक है। और अब पूरा का पूरा वेपर बनने के बाद फिर टेम्परेचर बढ़ता है, पूरा का पूरा अगर वेपर बन गया उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है, तो उसके बाद टेम्परेचर फिर वापस बढ़ता है। तो यहाँ पे सी स्पेसिफिक हीट कितना रहता है, आइस का स्पेसिफिक हीट कितना रहता है, 0.5 याद चाहिए, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस,
वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना रहता है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे लेटेंट हीट कितना रहता है? आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कितना एनर्जी लगता है? 80 कैलोरीज पर ग्राम. और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए कितना एनर्जी लगता है? 540 कैलोरीज पर ग्राम. ठीक है, मतलब यहां क्या 1 ग्राम आइस का, यहां पे देखो मैं क्या बोलता हूं, 1 ग्राम आइस का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 0.5 कैलोरीज लगता है. 1 ग्राम आइस का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना एनर्जी लगता है? इतना. 1 ग्राम आइस को वॉटर में कन्वर्ट करना है. 1 ग्राम आइस को 2 मिनट में हो जाएगा इतना होने के बाद बंद करने का. 1 ग्राम आइस को वॉटर में कन्वर्ट करने का तो कितना एनर्जी लगता है? 80 कैलोरीज. 1 ग्राम आइस है, उसको 80 कैलोरीज दिया तो वो मेल्ट होता है. उतने ही टेम्परेचर, टेम्परेचर जीरो ही रहेगा. आइस का भी टेम्परेचर जीरो था, मेल्ट होने के बाद भी टेम्परेचर जीरो ही रहेगा. लेकिन मेल्ट होने के लिए, जीरो का आइस जीरो के वॉटर में मेल्ट होने के लिए कितना एनर्जी लगता है? 80 कैलोरी पर ग्राम. और 100 डिग्री का वाटर 100 डिग्री के वेपर में कन्वर्ट होने के लिए कितना एनर्जी लगता है पर ग्राम? 540. तो इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसको स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस बोलते हैं. सब रटना चाहिए, वैल्यू सब रटना चाहिए. इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है. कल का लेक्चर में क्या देखेंगे? कैलोरीमीटर के एग्जांपल्स, उसके बाद वेव्स एंड साउंड चालू करेंगे. चलो, आज का जितना हुआ क्लियर है क्या? कमेंट करो, आज का जितना हो गया उतना क्लियर है क्या? ठीक है, चलो. तो अभी क्या करने का? आज न्यूमेरिकल सॉल्व करो. बहुत कम है, 20-25 न्यूमेरिकल्स है. थर्मामेट्रिक के 25-20-25 है, और वो थर्मल एक्सपांशन के 20-25 है. तुमको सब सॉल्व करो, वो ऑल एग्जांपल सॉल्व करो. जो डाउट्स है मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, तुम्हारे डाउट्स को मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पे ही आंसर करता हूँ. ठीक है, तो अच्छा हो जाएगा चैप्टर. न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये अच्छा हो जाएगा. थ्योरी पढ़ के फिजिक्स में कुछ नहीं होता, न्यूमेरिकल से सॉल्व करना पड़ेगा तभी फिजिक्स अच्छा होता है. ओके, ठीक है, चलते फिर, बंद करता हूँ. कोई डाउट है तो बोलो मुझे, मैं अनम्यूट करता हूँ. म्यूट कोई भी नहीं है, कुछ बोलना है तो बोलो मुझे, मैं माइक निकालता हूँ. कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं है तो बंद करो. बायो का पेपर है तुम्हारा, जाना है तो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. कल कैलोरीमीटर के एग्जांपल्स करते, ठीक है. चलो फिर मैं बंद करता हूँ, बाय.